जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल के जो लेक्चर के बाद आज हम करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बड़ा अहम टॉपिक है और इससे रेलेवेंट जो है ना, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। पार्क स्टडी का पेपर हो, लेक्चरर का या हिस्ट्री का पेपर हो, उसमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। और आज हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ इसके जो अहम क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। जो आम बुक्स में नहीं दिए गए होते तो मेरे पास एक बुक है, उसमें से ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कल के रेलिवेंट तो आप कर सकते हैं। कि आगे चलेंगी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर, ये जो आपने कल अदबी खिदमात बताई थी कि कौन सी बुक उन्होंने लिखी उस टाइम में, पहले कौन सी लिखी बाद में, तो उनकी डेट भी आ सकती है कि कौन से ईयर में इन्होंने ये बुक लिखी थी? जी उनकी डेट भी आ सकती है। और जो मैंने हिस्ट्री के जो आपका ग्रुप है उसमें मैंने आज सेंड किए थे आपको क्वेश्चन, उसमें वो डेट भी लिखी हुई है। बास बुक्स की डेट मेंशन है, वो आप उधर से स्टडी करें। ठीक हो ठीक हो गया ना? जो मैंने सेंड किए हैं वो अच्छी तरह पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आता। और जो जो मैं सेंड करता हूँ आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जो मैं सेंड करता हूँ इंशाल्लाह उसी में से, बड़ी उम्मीद है कि तकरीबन 90% उसी में से पेपर होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं या जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए आप उनको अच्छे तरीके से कर लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस जी, INC भी इसको हम कह लेते हैं, इसका एब्रीवेशन है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अगराज़ो मकासद जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उसकी बहस में हम नहीं पढ़ते। हम जो इसके रेलेवेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछा जाता है वो सिर्फ एक ही है या दो कह लें, वो क्या है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में वो ये है कि कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी, हु फाउंडेड द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी। तो उसका नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम, उसका नाम था। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आया रहता है, चाहे हिस्ट्री का हो, पार्क स्टडी का हो या वैसे जनरल नॉलेज का हो, तो ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है कि जी कांग्रेस की बुनियाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी। एक सवाल तो ये बनता है सबसे अहम। दूसरा सवाल ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम की गई, कब बनाई गई, इसकी फाउंडेशन डेट क्या है, तो वो है 1885। ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट दफा भी ये आया हुआ था, इसलिए आपने इसकी ये डेट याद रखनी है। मेरा जो मेन मकसद है, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो पेपर में आए या जिनके आने के चांसेस हैं। गैर जरूरी इररेलेवेंट क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं जाता, ना ही उस डिटेल में, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसमें टाइम वेस्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बानी, इसको बनाने वाला वो कौन था? एओह्यूम, इसका नाम याद रखें, बानी का नाम है एओह्यूम।
ये इसकी स्पेलिंग है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। अब ये कौन था? नाम से तो आपको पता चल गया कि ये अंग्रेज ही होगा। जी बिल्कुल, ये अंग्रेज था और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ब्यूरोक्रेट था। ये इंडिया के अंदर एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर बहुत मशहूर था, और जब ये रिटायर्ड हुआ तो इसने सोचा कि ये जो अफरा तफरी, खुफिया साजिशें, ये बेचैनी जो इंडियंस में पाई जाती है, इसका सद्देबाब किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जो है खुफिया साजिशें या बेचैनी पाई जाती है इंडियंस के अंदर, तो उसने क्या किया कि ये सोचा कि क्यों ना, अब मैं रिटायर हो गया हूं तो कोई ऐसी तंजीम, उसका मेन मकसद था समाजी तंजीम, सोशल तंजीम को कायम किया जाए। उसने मशवरा किया लॉर्ड डिफरेंस से। अच्छा जी, मशवरा किया किसके साथ किया? वायसराय, उस वक्त का वायसराय। मशवरा किया वायसराय हिंद लॉर्ड डफरिन से कि क्यों ना जो एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जिसका मकसद हो कि हकूमती जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बहस की जाए, तनकीद की जाए, मुफीद मशवरे दिए जाए, एक ऐसी तंजीम हो और जिसकी सदारत जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो करें। यानी कि वो चाहता था कि ये तंजीम जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो गवर्नर जनरल है जिसको हम वायसराय भी कहते हैं वो करें। अब लॉर्ड डफरिन ने इस तजवीज को पसंद किया, लेकिन उसने कहा कि ऐसी तंजीम हिंदुस्तान में नहीं बन सकती जिस तरह की तंजीम बरतानिया के अंदर ओपोजिशन पार्टी की है। यानी कि बरतानिया में उस वक्त जो निज़ाम था, हकूमती पार्टी के साथ साथ एक ओपोजिशन पार्टी होती थी जिसे हिजबे मुखालिफ कहते थे। हिजबे मुखालिफ पार्टी क्या करती थी कि हुकूमती इकदामात पर तनकीद किया करती थी या सवाल जवाब किया करती थी, उनकी गलत पॉलिसियों को टोका करती थी। उसने कहा कि इस तरह की तंजीम इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए जो हुकूमती जो है कमियों कोताहियों को उजागर करे और हमें बताए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब लॉर्ड डफरिन ने उसको ये मशवरा दिया कि इसको समाजी की बजाय आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक तंजीम बनाएं। तो उसने मजीद मशवरे के लिए अब उसने क्या किया, ए यू ह्यूम ने वो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाके उसने जो सबका गवर्नर जनरल या सबका वायसराय हिंद था लॉर्ड रिपन, उसके साथ मशवरा किया। अब वो मजीद मशवरा इंग्लिस्तान में किसके साथ कर रहा है? अब वो इंग्लैंड के अंदर मशवरा कर रहा है लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन जो था ये सबका वायसराय हिंद था, लॉर्ड डफरिन से पहले लॉर्ड रिपन था। इसके बाद उसने जॉन ब्राइट के साथ, उसके बाद लॉर्ड होजी के साथ, लॉर्ड डलहौजी भी सबका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब उसने ये तीन चार लोगों से और अरकाने पार्लियामेंट से भी मशवरा किया कि क्यों ना हिंदुस्तान के अंदर भी एक तंजीम होनी चाहिए सियासी, जो कि हुकूमत को उसके अच्छे और बुरे कामों के बारे में बताती रहे और जो आम पब्लिक है, आम आवाम है, उसके भी जो दिल के ख्यालात हैं, जो उनकी भड़ास है दिल के अंदर, वो निकाली जा सके, उसके बारे में हमें मालूम हो। तो उसने इन लोगों के साथ मशवरा किया, इन लोगों ने भी
उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसको शाबाश दी कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, तो आप इसको जरूर करो। तो ये वापस इंडिया आ गया और इंडिया आके इसने जो ग्रेजुएट्स थे हिंदू ग्रेजुएट्स, एक चीज याद रखें कि उस वक्त जो था वो हिंदुओं में तलीम ज्यादा थी मुसलमानों की निस्बत, हिंदू जो थे वो तलीम की तरफ ज्यादा माइल थे, इंग्लिश जो एजुकेशन की तरफ। जो संस्कृत कॉलेज था गोगल दास तेजपाल कॉलेज कलकत्ता के अंदर, उसने उन लोगों को कहा ग्रेजुएट्स को जो फारगुल तलीम थे कि आप मेरा साथ दें, मैं एक ऐसी तंजीम बनाना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको इंग्लिश जो है माहौल का पता है, आपको बरतानिया के कवानीन पार्लियामेंट का भी पता है, तो क्यों ना इस तरह की एक सियासी तंजीम बनाई जाए। तो अब जो इसका ये जो मंसूबा था, ये पाया तकमील को कब पहुंचा और कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, ये डेट याद रखें। आगाज या बुनियाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जी, इसकी बुनियाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की गोकल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई के अंदर हुई। ये नाम याद रखें प्लेस का, गोकल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। और ये कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में। इसकी डेट है 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई, ये कायम हुई। ये सवाल अहम है, ये पेपर में पूछा जाता है कि इंग्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, तो 28 दिसंबर 1885 को। अगर वो ये कहे कि कहाँ बनी, तो आप बता सकते हैं कि गोकल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई के अंदर, बंबई इसके अंदर ये बनी। पहले कलकत्ता में वो बनाना चाह रहे थे लेकिन वहां के हालात ठीक नहीं थे, तो वो ट्रांसफर हो गई बंबई। बंबई के अंदर 1885 को 28 दिसंबर को ये बनी, कायम हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इसका पहला जो है मरला, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब एक चीज और याद रखें कि इसका पहला सदर सदारत किसने की थी। जो पहला इजलास हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें सदारत किसने की थी, ये एक मसीही क्रिश्चियन आदमी था, बंगाली था, जिसका नाम उमेश चंद्र बैनर्जी था, WC बैनर्जी। WC बैनर्जी ये वो आदमी था जिसने पहले इजलास की सदारत की, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर कह लें, ये प्रेजाइडिंग था, प्रेसिडेंट था, जिसने सदारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में कितने लोग थे, कितने मंदोबीन थे, कितने डेलीगेट्स थे, तो वो थे 72। बहुत
अच्छा इसमें एक चीज याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज बुक्स में 70 लिखा गया है और बाज बुक्स में 72 लिखा गया है, और इसमें जो दो थे वो मुसलमान थे। 72 में दो जो लोग थे वो मुसलमान थे, ये याद रखना है। ये सवाल भी आ सकता है कि पहले इजलास के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने मुसलमान मंदोबीन ने शिरकत की, तो आप कह सकते हैं कि दो दो मुसलमान थे जिन्होंने शिरकत की, बाकी सारे हिंदू थे और ईसाई। क्लियर हो गया? अगर पेपर के अंदर आपको वो दे ऑप्शन, चार ऑप्शन होते हैं, एक तो नॉट होगा, इनमें से कोई भी नहीं, तो तीन ऑप्शन जो होंगे उनमें से अगर 72 हो तो आपने 72 पे टिक कर देना है, अगर 70 आ जाए तो फिर आपने 70 पे लिख देना है। लेकिन जो ज्यादा बुक्स में लिखा गया है वो 72 ही लिखा गया है कि 72 डेलीगेट्स थे, इस चीज को याद रखना है कि 72 थे। अच्छा जी, इसका पहला सेक्रेटरी कौन था, सेक्रेटरी जनरल कौन था? इसका पहला सेक्रेटरी जनरल ए ओ ह्यूम खुद था। इसका सेक्रेटरी जनरल याद रखें कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम, इसका बानी ही इसका पहला सेक्रेटरी था, और इसका पहला जो सदर था वो उमेश चंद्रा बैनर्जी थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी जिनको हम कहते हैं। पेपर में अक्सर डब्ल्यू सी बैनर्जी लिखा होता है, तो आपने डब्ल्यू सी बैनर्जी पे टिक करनी है कि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, और उसके पहले सेक्रेटरी ए ओ ह्यूम थे। ये चीजें आपने याद रखनी है, इसमें से ये ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा जी, क्लियर हो गया जी? इसको रेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना? अच्छा जी, 1886 में दूसरा इजलास हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और जो लॉर्ड डफरन था उसने गार्डन पार्टी दी। अठारह सौ छियासी में दूसरा इजलास हुआ, लॉर्ड डफरन ने गार्डन पार्टी दी, जितने भी डेलीगेट थे 407 डेलीगेट थे दूसरे इजलास में, याद रखें कितने लोग थे, कुल लोग कुल मंदोबीन डेलीगेट्स 407, जिसमें से 22 मुसलमान थे, और इसके सदर कौन थे दूसरे इजलास के,
दूसरे इजलास के जो सदर थे दादा भाई नूरू जी, दादा भाई नूरू जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। यहां तक क्लियर हो गया जी? दूसरे सेशन में, दूसरे इजलास में 22 मुसलमान थे, 407 लोगों में से 22 मुस्लिम थे। अठारह सौ सतासी में तीसरा इजलास मद्रास में हुआ। अठारह सौ सतासी में तीसरा इजलास मद्रास में हुआ और इसके सदर कौन थे? ये पहले मुसलमान सदर थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखें कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम जो सदर था, प्रेसिडेंट था, वो था बदरुद्दीन तैयब जी। ये सवाल भी पेपर में आ चुका है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपने बदरुद्दीन तैयब जी पे टिक कर देनी है कि ये पहले मुसलमान सदर थे, 1887 में ये पहली दफा सदर बने थे, तीसरे इजलास में, कांग्रेस के तीसरे इजलास में ये सदर बने। अठारह सौ अठासी में चौथा इजलास हुआ और इसमें सदर कौन था? इसमें एक अंग्रेज सदर था, जॉर्ज योल। जॉर्ज योल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा सदर एक अंग्रेज था, याद रखें अंग्रेज। ये सवाल भी आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सदर कौन था? अंग्रेज सदर, यानी कि इंग्लिश सदर, इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था? तो आप कह सकते हैं जॉर्ज योल। और 1899 में पांचवा इजलास हुआ जी। इसका सदर कौन था? ये भी अंग्रेज था। पांचवा और चौथा इजलास वेदरबर्न, वेदरबर्न। पांचवें इजलास का जो सदर था वो भी अंग्रेज था, वेदरबर्न। अच्छा जी, ये तो आपको पता चल गया, पांच इजलास जो पहले हुए हैं उनके सदूर के बारे में भी पता चल गया, मुसलमान सदर के बारे में पता चल गया कि कांग्रेस का पहला मुसलमान सदर कौन था, और आपको ये भी पता चल गया कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज जो था सदर वो कौन था, जॉर्ज योल। इसके बाद हम आते हैं इसके मकासद की तरफ। ये तंजीम क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई थी, इसका जो बानी था, फाउंडर था, वो अंग्रेज था, ए ओ ह्यूम। तो उनका ये मकसद था कि वो ताजे बरतानिया की फर्मा बरदारी करें, अपने जो मुतालबात हैं वो बड़े ऐसे तरीके से उनके सामने पेश करें और बगावत को ना फैलने दें, और जो मलका बरतानिया है। अच्छा, जो पहला इजलास हुआ था 1885 में, तो पहले जो सदर थे बैनर्जी, उन्होंने मलका, पहले तो अंग्रेजों की उन्होंने तारीफें की काफी सारी,
कि जो अंग्रेजों ने बरेसगीर के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, तालीम बड़ी अच्छी देते हैं, इनका जो सेटअप है कॉलेजों का वो बहुत अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि ये बरेसगीर के अंदर भी ऐसे कॉलेज खोलें। फिर उसने मलका बरतानिया के लिए 3 तालियां भी जवाई थी। उस वक्त ये दस्तूर था कि मलका बरतानिया के लिए 3 तालियां बजाई जाएं। इजलास खत्म हो तो वो मलका को शुक्रिया अदा करने के लिए 3 तालियां बजाते थे। तो क्योंकि ये अंग्रेजों के फरमाबरदार थे हिंदू, और इसके पीछे जो सारी कावस थी वो अंग्रेज एलन ऑक्टावियन ह्यूम की थी, इसलिए वो कहते थे कि ये जो है तंजीम ये अंग्रेजों के फरमाबरदारी करती रहे, उनके अहकामात को मानती रहे, और अगर कोई बात तनकीद भी करनी है, अगर कोई मुखालफत भी करनी है, तो वो भी दबे लफ्जों से ऐसे तरीके से करें। ये इसका मकसद था। यहां तक क्लियर हो गया जी? इसको रेज कर दूं? अच्छा जी, कांग्रेस के मकासद क्या थे? कांग्रेस बनाने का मेन मकसद क्या था? इसके 2 मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि कौमी तरक्की के लिए कोशिश करने वाले इसका पहला मकसद ये था कि कौमी तरक्की के लिए उस वक्त इंडिया में जो भी तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है उसको एक दूसरे के साथ मुतारफ कराना, मिलाना, मिल बैठ कर बाहम मुलाकात करना, और एक दूसरे का हम ख्याल होने के साथ साथ नई तजावीज पेश करना। ये उन लोगों का पहला मकसद था कि कौमी तरक्की के लिए इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज की में जो भी लोग हैं, जो भी चाहते हैं कि मुल्क जो है तरक्की करे, उन सब अफराद को इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह, और उनका सालाना एक इजलास हो। अच्छा जी, और उनका दूसरा मकसद क्या था? उनका दूसरा मकसद ये था कि अगले साल होने वाले सियासी इकदामात पर बहस करना, कि जो नेक्स्ट ईयर इकदामात थे सियासी पॉलिटिकल हवाले से उस पर बहस करना, जितने भी लॉज बनते थे, जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था मुल्क के अंदर, जितने भी टैक्सेस लगते थे, और इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उस पर बहस करना। इनका ये मेन मकसद था, इनके 2 मोटिव्स थे, मकासद थे, ये आप इसको देख। अच्छा जी, कांग्रेस के अंदर जो है पहले पहल जो जितने भी उसके इजलास हुए या जितने भी उसके सदूर बने, प्रेसिडेंट बने, वो सब एतदाल पसंद थे। मॉडरेट जिन्हें हम कहते हैं, मॉडरेट थे, एतदाल पसंद।
1885 से लेकर 1906 तक, ये बड़ी अहम बात है, 1885 से लेकर 1906 तक का जो दौर है कांग्रेस का, ये एतदाल पसंदी का दौर कहलाता है, मॉडरेट्स का दौर कहलाता है। इसको याद रखें, ये बहुत जो है ना कहने की आम बात नहीं है, कम ही लोगों को पता होता है कि एतदाल पसंदी का दौर कौन सा था कांग्रेस का। तो 1885 से लेकर 1906 तक का जो दौर था वो एतदाल पसंदी का दौर था, जिसमें दादा भाई नूरू जी थे और उमेश चंद्रा बैनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये जितने भी लोग थे ये एतदाल पसंद थे। आपने एक नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो था, ये एक एक्सट्रीमिस्ट था। एक्सट्रीमिस्ट से मुराद इंतहा पसंद था, इसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ये अपने मामूलात के अंदर बहुत हद तक जो था ये इंतहा पसंद था, और खासकर मुसलमानों के ये बहुत खिलाफ था, और हिंदुओं और अंग्रेजों के भी खिलाफ था। अंग्रेजों ने जो कानून बदले, एक तो कम उम्र की जो बच्चियों की शादी होती थी वो बदले, कि छोटी उम्र की 8 साल 10 साल और 11 साल की बच्चियों की शादी कर ली जाती थी, तो अंग्रेजों ने वो कानून बदल दिया और कम से कम जो उम्र थी वो 14 साल गालबन रखी, 16 साल। तो उससे क्या हुआ कि बाल गंगाधर जो तिलक था, इसने बड़ी नाराजगी का इजहार किया और इसने अपने इंतहा पसंदाना अजाइम खुलकर बयान किए। उसके बाद जो सती की रस्म खत्म की गई, इस पर भी उसने जो है बड़ी नाराजगी का इजहार किया, और इसके बाद इसने मुसलमानों का जो मुहर्रम के दिन थे, 10 मुहर्रम 10 दिन मनाए जाते थे, उसको उसने कंपैरिजन किया अपना शिव के 10 दिनों से, और उसने जो शिव की पूजा पाठ है वो भी 10 दिन के लिए रखी। ये इंतहा पसंद था। जब इसने कांग्रेस में कदम रखा तो अपने इंतहा पसंद अजाइम जो है इसके अंदर भी वो कांग्रेस के अंदर भी ले आया। और जो सूरत का इजलास हुआ, याद रखें बड़ा इंपॉर्टेंट है सूरत का इजलास, सूरत, सूरत एक मुकाम का नाम है इंडिया के अंदर, एक शहर का नाम है, 1907 याद रखें, 1907 में जो बाल गंगाधर तिलक है इसने कब्जा कर लिया कांग्रेस पे। इसकी चूंकि बड़ी बल्ले बल्ले बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत बन गया था ये हिंदुओं में, तो इसको कांग्रेस का लीडर बना दिया गया। तो इसने सूरत के इजलास में इत्तेदाल पसंदों और इंतहा पसंदों के दरमियान लड़ाई हो गई और ये दो ग्रोह बन गए। 1907 में कांग्रेस के दो ग्रोह बन गए, एक इंतहा पसंद और एक मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ये पेपर में आ भी जाए तो आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। मॉडरेट में जो पीरियड था वो 1885 से लेकर 1906 तक था, और जो एक्सट्रीमिस्ट का था वो 1907 से लेकर 1916, याद रखें 1907 से लेकर 1916 का जो दौर था ये एक्सट्रीमिस्ट का दौर था, क्योंकि 1916 में मैसाखी लखनऊ हुआ तो लाला लजपत राय, आपने नाम सुना होगा लाला लजपत राय, उसने फिर जो है ना दोनों धड़ों के अंदर दोनों ग्रोहों में सुलह करवा दी और वो फिर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हो गई। तो ये चीजें याद रखने वाली, इसको याद रखें। यहां तक क्लियर हो गया जी, आगे चलें।
ये जो मैंने लिखा है मुसलमान सदूर कांग्रेस के, कांग्रेस या कांग्रेस के मुसलमान सदूर कह लें कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे जो मुस्लिम थे वो कौन कौन से थे, तो उनकी थोड़ी सी तफसील में बताने लगा हूं। अठारह सौ सतासी में बदरुद्दीन तैयब जी जो मुसलमानों के पहले सदर थे कांग्रेस के अंदर, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अठारह सौ छियानवे में जो सदर थे मुसलमान कांग्रेस के वो रहमतुल्ला सनाई, रहमतुल्ला सनाई थे। अच्छा जी, 1913 में सैयद मोहम्मद बहादुर जो थे ये कांग्रेस के मुसलमान सदर थे। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, आधा मिनट रह गया है, तो इसके बाद दोबारा हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये देख लें, तीन सदूर लिखे गए हैं, 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, 1896 रहमतुल्ला सनाई, 1913 सैयद मोहम्मद बहादुर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। में हसन इमाम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और 1921 में हकीम अजमल खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1921 में हकीम अजमल खान। Thank you.